What's up guys, welcome back to my YouTube channel Tekniki Jwalak में, मेरा नाम है अनुज और आज की वीडियो में मैं बताऊंगा Realme Q2 Pro का कुछ हाईलाइट फीचर्स के बारे में, जानेंगे क्या क्या मिलता है इस बजट स्मार्टफोन में। और हाँ दोस्तों, ये एक 5G स्मार्टफोन होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों बात करें वेरिएंट्स की, तो Realme Q2 Pro में आता है दो वेरिएंट, 8GB रैम 128GB स्टोरेज और 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ में। इसका रैम टाइप तो पता नहीं है, लेकिन इसका स्टोरेज टाइप है UFS 2.1 का। साथ ही में चार कलर्स भी आता है, लेदर ग्रे, रेनबो, सी ब्लू और फैंटेसी वाइट। बात करें डिस्प्ले की, तो इसमें आता है एक पंच होल के साथ 6.4 इंचेस का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जिसका रेजोल्यूशन है 1080x2400 पिक्सल्स का। साथ ही में इसमें 600 नीट्स का ब्राइटनेस आता है, जो काफी अच्छा है, और 82.6% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी आता है। और प्रोटेक्शन में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन आता है। बात करें परफॉर्मेंस की, तो इसमें आता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 800U, जो एक 5G चिपसेट है, और ये बेस है 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे, और ये एक पावरफुल गेमिंग चिपसेट है। इससे आप आराम से PUBG, COD या एस्पर्ट आराम से हाई सेटिंग्स पे खेल पाएंगे बिना किसी लैग के और फ्रेम ड्रॉप्स के, और डे टू डे यूसेज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसका OS रन करता है Realme UI Android 10 पे। तो दोस्तों अब बात करें कैमरे की, तो इसमें आता है स्क्वाड कैमरा, 48 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा f1.8 एपर्चर के साथ में, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड के लिए f2.3 एपर्चर के साथ में, और इसका FOV है 119 डिग्री का, और 2 मेगापिक्सल मैक्रो के लिए f2.4 एपर्चर के साथ में, और 2 मेगापिक्सल डेप्थ के लिए f2.4 एपर्चर के साथ में। और दोस्तों आप इसके रियर कैमरे से 4K 30fps वीडियो शूट कर पाएंगे, 1080p 30fps पे, 60fps पे और 120fps पे भी वीडियो शूट कर पाएंगे, और इसमें EIS का सपोर्ट भी आता है। अब बात करें फ्रंट कैमरे की, तो इसमें आता है एक पंच होल कैमरा, 16 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा f2.5 एपर्चर के साथ में, और इससे भी आप 1080p 30fps पे और 120fps पे वीडियो को शूट कर पाएंगे। बात करें पोर्ट्स की, तो इसमें USB टाइप सी आता है, हाइब्रिड सिम स्लॉट आता है, जिससे आप बस दो ही सिम लगा पाएंगे और मेमोरी को एक्सपांड नहीं कर पाएंगे। और इसमें सिंगल स्पीकर ग्रिल्स आता है 3.5mm हेडफोन जैक के साथ में। और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, तो वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बात करें कनेक्टिविटी की, तो इसमें वाईफाई कॉलिंग आता है, ब्लूटूथ 5.1 है, NFC नहीं आता है और FM रेडियो भी नहीं आता है। बात करें सेंसर्स की, तो इसमें फिंगरप्रिंट आता है जो कि इन डिस्प्ले है, फेसर लॉक आता है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, कॉम्पास है और जायरोस्कोप भी आता है। बात करें बैटरी की, तो इसमें आता है 4300 मिली एम्पियर की एक बड़ी बैटरी, साथ ही में 65 वाट का एक फास्ट चार्जर भी आता है, जो आपके फोन को बहुत ही जल्दी चार्ज कर देगा, वो भी फुल चार्ज, और ये चार्जर आपको बॉक्स के अंदर ही मिल जाएगा। बात करें प्राइस की, तो इसका प्राइस होने वाला है इंडिया में 125,000 इसका अपर वेरिएंट 8GB रैम 256GB स्टोरेज के लिए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा, अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग।